नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु राम जी में। अभी तक आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, और इन सब के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपने जिस प्रकार से मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है, तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलता हूँ माँ पीताम्बरा के दर्शन के हेतु। तो चलेंगे मेरे साथ माँ पीताम्बरा के दर्शन के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले भगवान का आशीर्वाद लेना। घर से निकलने से पहले हमें भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम भगवान का आशीर्वाद लेंगे और फिर अपने आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। हनुमान जी कृपया रास्ता दिखाएं और हमारे साथ चलें। इस पूरी यात्रा में मैं आपको बताता जाऊँगा कि आखिर पीताम्बरा माता के दर्शन क्यों ज़रूरी हैं और पीताम्बरा माता के साथ साथ हमें और किन के दर्शन करने हैं। तो चले यात्रा शुरू करें और हम लोग चलते हैं पीताम्बरा माता के दर्शन के हेतु। चलिए आपको मेरे साथ मैं ले चलता हूं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित माँ पीताम्बरा के दरबार में लगाई गई गुहार कभी अनसुनी नहीं होती। कहा जाता है कि माँ पीताम्बरा सभी पर एक समान कृपा बरसाती हैं। राजा हो या रंग, माँ सभी की पुकार सुनती हैं। बताया जाता है कि इस सिद्ध पीठ की स्थापना 1935 में परम तेजस्वी स्वामी जी ने की थी। हालांकि माँ पीताम्बरा का जन्म स्थान, नाम और कुल आज तक रहस्य बना हुआ है। इसके बारे में अब किसी ने अभी तक मुझे सही जानकारी नहीं दी है। कहा जाता है कि माँ का ये चमत्कारिक धाम स्वामी जी के जप और तप के कारण ही एक सिद्ध पीठ के रूप में देश भर में माना जाता है। यहाँ माँ पीताम्बरा चतुर्भुज रूप में विराजमान है। उनके एक हाथ में गदा, दूसरे में पाश, तीसरे में वज्र और चौथे हाथ में उन्होंने राक्षस की जिव्या थाम रखी है। यहाँ भक्त माँ का दर्शन एक छोटी सी खिड़की से करते हैं। बताया जाता है कि दर्शनार्थियों को माँ की प्रतिमा को स्पर्श करने से मनाही है। ये भी कहा जाता है कि माँ बंगलामुखी ही पीताम्बरा देवी हैं, इसीलिए इन्हें पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी हों या फिर राजमाता विजयराजे सिंधिया, सभी ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मौजूदा दौर पर यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ कई बार आते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर आने वाले की मुराद जरूर पूरी होती है और उन्हें राजसत्ता का सुख जरूर मिलता है। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहां आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। दतिया का पुराना कस्बा चारों ओर से पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें बहुत से महल और उद्यान बने हुए हैं। 17वीं शताब्दी में बने वीर सिंह महल को उत्तर भारत की सबसे बेहतरीन इमारतों में माना जाता है। यही परिस्थिति है पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ, और ये देश के श्रेष्ठतम महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। माता बगुलामुखी के संपूर्ण भारत में केवल दो सिद्ध शक्तिपीठ विद्यमान हैं, जिनमें से एक मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में और दूसरा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनखंडी में स्थित है। माँ बगुलामुखी को कलयुग में बहुत शक्तिशाली देवियों में से एक देवी के रूप में जाना जाता है, जिनकी कृपा से कार्यों में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, संकट टल जाते हैं और साहस पराक्रम आदि की प्राप्ति होती है, जिसके चलते वैदिक ज्योतिष हजारों साल से श्री बंगलामुखी मंत्र का प्रयोग माँ बगुलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। यहाँ पर भक्त विशेष अनुष्ठान भी करते हैं और माँ को पीले कपड़े पहनाते हैं और उनके साथ ही मुराद मांगते हैं। कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई मुराद कभी अनसुनी नहीं जाती। विधि विधान से अगर अनुष्ठान किया जाता है तो मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। माँ पीताम्बरा राजसत्ता की देवी हैं और इसी रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राजयोग या राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। माँ पीताम्बरा शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी हैं और राजसत्ता प्राप्ति में माँ की पूजा का विशेष स्थान है। इसीलिए आपको माँ पीताम्बरा के मंदिर में कई राजनेता और कई वीवीआईपी बड़ी आसानी से दिख जाएंगे। यहाँ पर माँ पीताम्बरा के साथ ही खंडेश्वर महादेव और धूमावती माई के दर्शनों का भी सौभाग्य मिलता है।
मंदिर के दाईं ओर खंडेश्वर महादेव हैं, जिनकी तांत्रिक रूप में पूजा होती है। महादेव के दरबार से बाहर निकलते ही 10 महाविद्याओं में से एक माँ धूमावती हैं। माँ धूमावती का दर्शन केवल आरती के समय ही किया जा सकता है, बाकी समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। हम दतिया स्थित माँ पीतामरा के दर्शन के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं कानपुर से। कानपुर से लगभग 240 किलोमीटर दूर है दतिया। इस यात्रा में हमें लगभग 4 घंटे का समय लगेगा। हम अपनी यात्रा पूरी करके अब हम दतिया में प्रवेश कर चुके हैं। पीतांबरा माता के दर्शन हेतु आपको लाइन लगानी पड़ेगी। पीतांबरा माता के मंदिर के 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आप किसी भी प्रवेश द्वार से माता के दर्शन हेतु आ सकते हैं। पहले हमने मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानों से फूल माला और प्रसाद लिया। यहाँ पर बेसन के लड्डुओं का भोग लगता है। हमने इसके साथ साथ धूमावती माई को चढ़ाने के लिए सफ़ेद रंग की माला ली और साथ ही नमकीन लिया। चूँकि धूमावती माई में सिर्फ नमकीन और सफ़ेद फूल ही चढ़ाए जा सकते हैं और वहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। 12 बजे कानपुर से निकलकर हम शाम को 4 बजे दतिया पहुँच गए। माँ पीतांबरा के दर्शन में हमें लगभग आधे घंटे का समय लगा। वहाँ से निकलकर खंडेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए हम धूमावती माई के दर्शन के लिए पहुँच गए। शनिवार को धूमावती माई का मंदिर शाम को 5 से 8 तक खुला रहता है और प्रतिदिन ये मंदिर सिर्फ 10 मिनट आरती के लिए खुलता है, तो इसीलिए हमने माँ पीतांबरा के दर्शन के लिए शाम का समय चुना। दतिया स्थित माँ पीतांबरा का मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और शाम को 11 बजे बंद हो जाता है। सुबह की आरती 7 बजे की जाती है और शाम की आरती शाम को 9 बजे की जाती है। आप दतिया ट्रेन द्वारा भी पहुंच सकते हैं और दतिया आप बस द्वारा भी आ सकते हैं। लगभग 4:30 बजे से लाइन लगाकर हम बैठे रहे माँ धूमावती माई के दर्शन के लिए और आधे घंटे बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खुले हमने माँ धूमावती माई के दर्शन कर लिए। अब लगभग 5:15 बज चुका था। हमारे तीनों दर्शन संपूर्ण हो चुके थे और अब हम यहाँ से निकलेंगे कानपुर के लिए और कानपुर पहुँचने में वापस हमें 4 घंटे लगेगा। चूँकि हमने अभी सुबह से निकलने के बाद अभी तक कुछ भी भोजन नहीं किया है, तो हम रास्ते में पड़ने वाले गोविंदम नाम के एक ढाबे पे नाश्ता और खाना करेंगे। तो अब इस तरह से हम वापस आ गए हैं अपने घर और फिर मैं आपको बताता हूँ आगे के बारे में। मैं आपको यहाँ पूरी होती है हमारी यात्रा। आपको दतिया के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, मैं आपको दतिया के बारे में संपूर्ण जानकारी अवश्य उपलब्ध कराऊंगा। अब मैं वापस अपने घर आ गया हूँ और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हो सके तो जीवन में एक बार माँ पीतांबरा के और धूमावती माई के दर्शन ज़रूर करिएगा। ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।